फ्रेंड्स महाशिवरात्रि रे घर को नहीं आसतु एही गोटी जिनिस एत्ते पैसा आसीबो कि आपण भाबी पारिबेनी। एहा सहित एही वीडियो रे आमे जानिबा शिवरात्रि दिन आपण को केउ केउ भूल करबा उचित नुहे। ता सह मु आपण को कहिबे कि भगवान शिवंकु प्रसन्न करबा पई केउ खास काम अछि ताहा यदि आपण करि दियंती त सफल हेबा पई आपण को केही मध्ये रोकी पारिबेनी। खास करी विवाहित महिला एही काम को निश्चय करंतु। तो फ्रेंड्स पूरा कथा को जानिबा पई आज रही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। भगवान शिवंक कृपा पाइबा पई कमेंट बॉक्स रे जय भोलानाथ अवश्य लेखंतु। फ्रेंड्स महाशिवरात्रि दिन आपण एही पांचटी भूल को भूल रे भी करंतु नाही, नचेत आपण जीवन सारा दुख कष्ट रे रही पारंती। भोलानाथ सबु दिन पई आपण को ऊपर रुष्ट होई जाई पारंती। फ्रेंड्स महाशिवरात्रि व्रत रखिबा समय रे एही कथार ध्यान निश्चय रखंतु जेपरी आपण एही पांचटी भूल को न करंती। सेही दिन महादेव एवं मां पार्वती को पूजा शुभ समय रे ही करिबा उचित। एमिति रे आसंतु जानिबा शिवरात्रि दिन आपण केउ भूल करिबा उचित नहे। किंतु ता पूर्वरु फ्रेंड्स आपण को गोटे छोटो अनुरोध, जदि आपण ए पर्यंत हम चैनल को सब्सक्राइब करी नाहंती ताहले सब्सक्राइब करी वीडियो को लाइक ओ शेयर करंतु। तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम आसंतु जानिबा कि शिवरात्रि दिन ताहा केउ काम जहा को करिबा जरूरी। शिवरात्रि दिन आपण व्रत करंतु एवं सेही दिन सकाळ उठि स्नान करंतु। एही कथा को मने रखंतु कि जेपरि आपण सकाळ 8टा पूर्वरु स्नान करिवे, जदि आपण 8टा परे स्नान करंती तो आपण को ताहार फल मिले नाही। आपण एही दिन स्नान जल रे गंगा जल अवश्य ढाळंतु। स्नान परे महिला सिंदूर अवश्य लगांतु, एहाकु बहुत ही शुभ माना जाए। किंतु एही कथार अवश्य ध्यान रखंतु कि आपण केबे भी अन्य काहार सिंदूर को व्यवहार करंतु नाही, नचेत एहा द्वारा आपणक स्वामी को उपरे महासंकट आसी पारे। फ्रेंड्स स्नान परे स्वच्छ वस्त्र धारण करंतु, तापरे शिव मंदिर को जाई महादेव को जल एवं क्षीर चढ़ांतु। शिव को ध्यान करी ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु। जदि एही दिन आपण व्रत रखिछंती तो फल खाइकी ही व्रत को पूरा करंतु। जदि आपण को द्वारा एह होई पारु नाही तो आपण गोटे टाइम भोजन करि पारिबे। फ्रेंड्स पूरा सच्चा हृदय रु एही नियम को पालन करूथिबा व्यक्ति महादेवंकर प्रिय होइथाय। आसंतु एबे जानिबा शिवरात्रि अवसर रे आपण केउ भूल करिवे नाही जहा द्वारा शिव भगवान क्रोधित हेबे। आपण महाशिवरात्रि दिन मदमांसर सेवन करंतु नाही, महाशिवरात्रि दिन डेरी पर्यंत सुअंतु नाही, एहा द्वारा आपणक भाग्य बिगिडी जाई पारे, शिव मध्ये रुष्ट होई जाई पारंती। महाशिवरात्रि दिन डाली चाउल गहम रे तयारी खाद्य को खांतु नाही, एही दिन आपण केवल फल खीर खांतु। जदि फ्रेंड्स आपण शिवंकु प्रसन्न करबा पई चाहू छथि त आपण एही दिन कळा कपडा भूल रे मध्ये पिनंतु नाही। एही दिन जेते अधिक हब आपण लाल रंगर किंबा धळा रंगर कपडा पिनंतु, एहा को शुभ एवं मंगलकारी माना जाय। एही दिन आपण संबंध बनांतु नाही, एही दिन जेते अधिक हेबो सेते दान पुण्य करंतु। जदि आपण शिवंकु प्रसन्न करबा पई चाहू छथि त आपण शिवंक पूजा रे एही जिनिसर व्यवहार करंतु नाही। महाशिवरात्रि दिन आपण शिवलिंग रे भूले मध्ये एही जिनिस को चढ़ांतु नाही, नचेत आपण को जीवन सारा दुख कष्ट भोग करबा को पड़िबो, आपणकर व्रत मध्ये नष्ट होई जीव, शिव भगवान मध्ये क्रोधित होई जीवे। जदि आपण शिव पूजा रे भूल करंती तो आपणकर व्रत रखिबारे मध्ये कोनोसी फायदा मिलिबो नाही। तो चालंतु जाने नेबा। नंबर 1 तुलसी। फ्रेंड्स पुराण कथा अनुसार तुलसी को लक्ष्मी सह तुलना करा जाए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णुंकर अर्धांगिनी अटंती, जेउटी भगवान विष्णुंकर वैशाली ग्राम पूजा रे तुलसी प्रयोग को बहुत शुभ माना जाए, तो सेपरी शिवलिंग रे तुलसी रो प्रयोग को वर्जित माना जाए। एहा आपण को पापर भागीदारी बनेई पारे, एथिपई आपण एपरि भूल करंतु नाही। नंबर 2 सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार श्रृंगार वस्तु जहाँ सब देवी देवता चढ़ा जाए, किंतु भगवान शिव बैरागी महाकाल अटंती तेणु तांकु सिंदूर चढ़ा जाए नहीं। एपरी पाप आपण को केबे मध्य करिबा उचित नुहे। किंतु फ्रेंड्स शिवरात्रि दिन आपण हनुमान को सिंदूर अवश्य चढ़ांतु, एहा द्वारा आपण को जीवन रे थिबा सब समस्या दूर हेबो। एहा छड़ा माता पार्वती गणेश को मध्य आपण सिंदूर अवश्य चढ़ांतु। नंबर 3 हलदी। सबु देवी देवतांक पूजा रे हळदी रो उपयोग करा जाय, किंतु विनाशर देवता भगवान शिवंकु हळदी अर्पित करा जाय नाही, कारण हळदी सौभाग्यर प्रतीक अटे।
नंबर 4 केतकी फूल। पुराण कथा अनुसारे केतकी फूल को शिवलिंग रे चढ़ा जाए नहीं, कारण केतकी फूल थरे भगवान ब्रह्मा को मिछरे साप देइतिला। एहा कथा जानी शिव भगवान क्रोध रे आसी ताकु अभिशाप देइथिले। नंबर 5 नडिया पानी। पुराण मान्यता अनुसारे एपरी कुहा जाए कि शिवलिंग उपरे नडिया पानी चढ़ेबा उचित नुहे, एहाकु शुभ माना जाए नहीं। फ्रेंड्स, मान्यता अच्छी कि नड़िया पानी भगवान को चढ़ेबा परे ग्रहण करिबा उचित, किंतु शिवलिंग रे चढ़ा जाइतिबा प्रसाद ग्रहण योग्य नुहे, तेणु आपण नड़िया पानी शिवलिंग रे चढ़ांतु नहीं। नंबर 6 शंख जल। भगवान शिव शंखचूड़ नामक असुरर वध करिथिले। शंख को सही असुरर प्रतीक माना जाए, जे भगवान विष्णुकर भक्त थिला। एथिपाय विष्णु भगवान को पूजा रे शंखर व्यवहार हुए, किंतु भगवान शिवंकर पूजा रे नुहे। नंबर 7 राशि। यहा भगवान विष्णुकर मैलार उत्पन्न होइथिला, एथिपाय यहा को भगवान शिव को अर्पित करा जाए नाही। नंबर 8 खंडित चाउल। भगवान शिव को अक्सर माने खंडित होइनथिबा चाउल अर्पण करिबा शास्त्र रे मध्य कुहा जायछि। खंडित चाउल अपूर्ण एवं अशुद्ध होइथाय, एथिपई एहा शिव भगवान को चढ़ांतु नाही। आपण एपरि अनर्थ करिबारो बचंतु। चाउल चढ़ेबा पूर्वरु ध्यान देखि नियंतु जेपरि खंडित चाउल नथिबो। नंबर 9 खीर। एमितिरे तो समस्ते जानते कि खीर रे अभिषेक करिले शिव भगवान प्रसन्न होंती, किंतु आपण एही कथार ध्यान रखंतु कि केबे भी आपण बासी किबा खराब खीर चढ़ांतु नाही, सबुबेले कंचा खीर चढ़ांतु। आपण एही कथार मध्ये ध्यान रखंतु कि शिव भगवान को तंबा ढाळ रे जल किबा खीर अर्पण करंतु नाही। एबे आसंतु जानिबा क्यों जिनिस भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करी थाए, एवं भगवान शिव आपण को मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करी थांती। खास करी आपण शिवरात्रि दिन एही जिनिस सब को शिव भगवान को चढ़ांतु, एहा द्वारा व्यक्तिर भाग्य चमकी उठी थाए। तो चालंतु जानि नेबा। नंबर 1 गंगा जल। गंगा जल भगवान शिवंकर जटारे शोभा पाए, एथिपई आपण माने जानिथिबे सबु नदी मानक मध्यरे गंगा पवित्र अटे। गंगा जलरे भगवान शिवंकर अभिषेक करिले मानसिक शांति एवं सुख प्राप्ति होइथाय। नंबर 2 आखु रस। आखु जीवन रे मीठा रस भरिबार प्रतीक माना जाए, शास्त्र रे एहार बहुत पवित्र कथा कुहा जायछि। प्रेमर देवता कामदेवतांकर धनु आखिरे तयारी अटे। देव प्रबोधनी एकादशी दिन आखुर घर बने भगवान विष्णु एवं माता तुलसीकर पूजा करा जाए। एपरि माना जाए कि आखु रसरे शिवंकर अभिषेक करिले घरे धन धान्य पूरी उठे। नंबर 3 तीनी पत्रवाला बेलपत्र। तीनी पत्रवाला बेलपत्र जहाँ कि चिराफटा होइनथिबो, आपण एपरि पत्र को भगवान शिवंकु चढ़ांतु। तीनी पत्रवाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंक प्रतीक होइथाय। महाशिवरात्रि अवसर रे आपण एहाकु अर्पित करिले आपणकु शिवलोक प्राप्त होइथाय, एपरि पुराण रे कुहा जायछि। नंबर 4 धतुरा। धतुरा फूल भगवान शिवंकु प्रिय अटे, एहार कारण एहा के एहा धळा अटे एवं एहा बहुत गुणकारी। मानसिक शांति पई धतुरा फूल को शिवलिंग रे अर्पित करंतु। नंबर 5 धतुरा फल। धतुरा फल एक जड़ीबुटी अटे, भगवान शिवंक विषर प्रभाव को दूर करिबा पई एहा को व्यवहार करा जायतिला, एथि पई शिवंकु धतुरा फल प्रिय अटे। महाशिवरात्रि रे आपण शिवलिंग रे धतुरा अर्पण करंतु। नंबर 6 भांग। भगवान शिव हळहळ विष पान करिथिले, एहार उपचार पई केते प्रकार जड़ीबुटी रो प्रयोग देवता माने करिथिले, औ सेथिरु भांग मध्य थिला, सेथि पई भगवान शिवंकु भांग प्रिय अटे। तेणु शिवरात्रि दिन भांग किंबा भांग पत्र को आपण खीर किंबा जल रे मिसाई अर्पण करंतु, एहा द्वारा आपण को रोग एवं शोकरु मुक्ति मिलिथाय। एबे चालंतु फ्रेंड्स जानिबा कि सेही खास जिनिस कि कोन जहा को आपण को महाशिवरात्रि दिन घर को आनिबार अछि। फ्रेंड्स, यदि आपण महाशिवरात्रि दिन घर को गोटे चांदीर नंदी को आनी रखंती तो यह बहुत अधिक शुभ होइथाय। यदि आपण आपणक घरर मंदिर रे एहाकु नै रखंती तो यह द्वारा आपणकर सबु मनोकामना पूर्ण होइथाय, कारण माने जाय कि आपणक सबु मनोकामना सबु इच्छा नंदी ही शिव भगवानक पाखरे पहुचाई थांती। आपण चाहिले माटीर नंदी को मध्य आपणक घर को आनी पारिबे। एहा छडा आपण घरर मंदिर रे यदि गंगा जल रखि नाहंती तो
ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିକି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ସେତିକି ଗଙ୍ଗାଜଳ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। तो फ्रेंड्स आपको आज भिडियो केमी लगे आमको कमेंट करके निश्चय जनइबे। कमेंट बक्स जय भोलेनाथ लिखा को जमारू भूलिबेनी।